all right good morning to each and every one of you good morning to each and every one of you i hope all of you are doing fantastically well yes good morning good morning good morning everyone good morning Prathem, uh, pratham pratham good morning akshay kumar hum hai si dhe dhe akshay akshay good morning akash samsal good morning karishma verma good morning to each and every one of you कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन पाल श्रेया सिंह पवन बार्ज गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सौरभ सिंह गुड मॉर्निंग अक्षय कुमार आरची मधवानी पंकज सर एक बार लिंक पिन कर दीजिएगा इतना खूबसूरत कोई इतना खूबसूरत तो ही इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है नो छुट्टी इवेंट टुडे यार एक्चुअली कल आप लोगों की क्लास की छुट्टी है ठीक <clears throat> है टुमारो इज योर हॉलिडे सो कल अगर छुट्टी है तो फिर मैं सोचा कि आज हम लोग क्लास ले लेते हैं एक्चुअली इनिशियली तो ये भी है कि मैं क्लासेस सिर्फ मंडे मंडे टू फ्राइडेज लूंगा सैटरडेज को आपकी क्लासेस नहीं हुआ करेंगी ठीक है बट मैंने पिछले सैटरडे भी इसी ले ली क्योंकि इस हफ्ते जो है वो छुट्टी होने वाली है और अगर हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस ले लेंगे ले ना तो बाद में कोई रश नहीं करना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो हम लोग स्टार्टिंग में अगर हल्की सी एक आध दो क्लासेस एक्स्ट्रा ले लेंगे तो बाद में हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है Uh, कल आप लोगों की वैसे भी छुट्टी देगी कल आपकी ना तो डीटी की क्लास है ना तो आईडीटी की क्लास है लेकिन हाँ कल वाले कॉम्पनसेशन के लिए हम लोग सैटरडे को क्लास लेंगे बट अदरवाइज फ्रॉम नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्लली मोस्ट प्रॉब्ली आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग बट मोस्ट प्रॉब्बली आपकी जो क्लासेस चला करेंगी वो मंडेज टू तो फ्राइडेज ही चला करेंगे टैक्स की ठीक है बाकी अकाउंट्स और लॉ की क्लासेज आपकी मंडेज टू सैटरडेज चला करेंगे क्योंकि टैक्स में में एक दिन में दो दो क्लासेस हो जाती है ना तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है कि यार जो दो दो क्लासेस किए हैं हम लोगों ने पिछले पांच दिनों में उनको रिवाइज करने के लिए उनको रिकॉल करने के लिए सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ऐसा मुझे लगता है सो so, uh, जो टैक्स की हमारी क्लासेज होंगी वो मंडेज टू तो फ्राइडेज ही हुआ करेंगे लेकिन हाँ पिछले हफ्ते सैटरडे तक सैटरडे को हुई थी

यस yes, ओके okay, प्राची रितिका पावन वाणी योर बेस्ट थैंक यू पावन चलिए शुरू किया जाए हम लोग अपने एम को रिवाइज करेंगे और हमारा एम क्या है हमारा एम है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी ये दो हमारे एम्स हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर हर रोज हर क्लास से पहले एक रिव्यूजनरी क्विज करते हैं जिसमें हम पिछली क्लास में पढ़ा हुआ स, पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं क्विज के जरिए तो आज की क्विज के लिए हम सब तैयार है पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने

रौनक प्रिया डिंकी वेरी नाइस ठीक है ऑप्शन टू क्वालिफाईस प्रॉपर्टी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन चाहिए तो लोन किससे लेना पड़ेगा बैंक ओनली बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स फैमिली एक्सेट्रा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली या रजिस्टर्ड लेंडर्स ओनली कमॉन वेरी गुड हेमंत असनानी दिव्यांश अरेवा

आकाश आप गलत कह रहे हो ठीक है बाकी सब लोग सही कह रहे हैं पीनल इंटरेस्ट का रिडक्शन तो आपको कभी भी नहीं मिलता है ठीक है पीनल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आप लोन पे इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए और उस इंटरेस्ट के ऊपर ऊपर आपके उपर और इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो पेनल्टी इंटरेस्ट तो उसी को पीनल इंटरेस्ट बोलते हैं तो पीनल इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलता है Payment in foreign currency, approval from the Reserve Bank of India. Taxes deducted at source on such interest. Your loan is in US dollars only. Very nice. Tax should have been deducted on such interest. Very good. Vritika, Purbita, Dipinki, Jeenal, Muskan. Very nice. Lavjeet, Akshay, Hemant, Pawan, Pradnya. Very good. Next question. What is the maximum interest deduction allowed for a self-occupied property under the optional scheme? Yeah, old scheme. 1,50,000 rupees, 2 lakh rupees, 3 30,000 rupees. and yeah, no limit. Come on. वेरी नाइस केशव वेरी गुड सबसे पहले केशव प्रथम दिव्यांशु केशव जीनल शिवराज लोकेश आरची प्रज्ञा केशव डिपिंकी मनीष लविंग दपीड ऑफ द चार्ट सेक्शन सीरियसली अमेजिंग ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपके सामने फॉर लेट प्रॉपर्टी हाउ मच इंटरेस्ट नो इज अलाउड इज अडक्शन थर्टी थाउजेंड वन फिफ्टी नो लिमिट या टू लाख रुपीज कमॉन लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो उसमें कितना क्या वजिट आउट प्रॉपर्टी होती है तो अनलिमिटेड होता है ठीक है तो देर इज नो लिमिट यहाँ देख रहा हूँ कुछ लोग बी बोल रहे हैं कुछ लोग डी बोल रहे हैं कुछ लोग ए बी बोल रहे हैं ठीक है? तो नहीं तो सी करेक्ट आंसर नो लिमिट अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो कोई लिमिट नहीं होती है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाता है इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी

थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का रिडक्शन आपको मिल जाता है वट डिडक्शन अलाउड फॉर इंटरेस्ट और लोन इज टेक ऑफ और कंट्रक्शन टैक्स रिजीम ऑन फर्ट एप्रिल टू एंड कंप्लीटेड विदिन फाइव इस अगर लोन 1st एप्रिल 2018 को लिया है और पांच साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कम्पलीट हो चुका है तो आपको टोटल कितने इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिलेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लाख रुपीज थर्टी थाउजेंड रुपीज नो डिडक्शन आप सलूट जवाब ऑप्शन बी टू लाख रुपीज कुछ लोग मैं देख रहा हूं गलत जवाब दे रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली गलत जवाब दे रहे हैं अच्छा ओल्ड स्कीम में डिडक्शन uh, मिलता है भाई ओल्ड स्कीम पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पर डिडक्शन मिलता है न्यू स्कीम में सेल्फ प्रॉपर्टी पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है यहां पर हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम यानी ओल्ड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिटर्म ग्रॉ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फेयर रेंट ओनली स्टैंडर्ड रेंट ओनली रें्यूनिपल वैल्यूएशन ओनली हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट या रिसीवेबल कम ऑन

मकान के परचेज के लिए लोन लिया सपोज मैंने मकान के के लिए लोन लिया, say, एक का इंटरेस्ट मैं पे करता हूं क्या मुझे इसका रिडक्शन अलाउड हो जाएगा बिल्कुल अलाव हो जाएगा इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन बिल्कुल अलाव होता है मैंने एक लाख रुपए का लोन लिया ठीक है हम लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात हैं हम अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे राइट right? तो अगर मैं लेटाउट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो लेटाउट प्रॉपर्टी के केस में जब मैं एक लाख रुपए जब मकान के परचेज के लिए मैंने एक लाख रुपए का लोन लिया आठ परसेंट का उसका इंटरेस्ट है आठ हजार रुपए में इस इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा तो आंसर इज यस इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा ठीक है इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा अब हम लोग बात करते हैं आगे अगर मान लो मैं मकान कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं मैंने मकान कंस्ट्रक्ट करवाया ठीक है मैंने लोन लिया फर्स्ट अप्रैल 2020 को फर्स्ट अप्रैल 2020 थाउजेंड लेट से मैंने टेन लाख रुपीज का लोन लिया ठीक है एट एट परसेंट पर आनम. मैंने, 10 ,00 रुपीस का लोन लिया एट एट परसेंट परानम अब मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ फर्स्ट अप्रैल 2020 और मकान चलता रहा कब तक <coughs> मकान चलता रहा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ लेट से फर्स्ट अप्रैल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ लेट्स से फर्स्ट अप्रैल 2024 यहां मैं कह देता हूं कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ठीक है अब जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तभी तो मैं मकान को आगे किराए पर दे पाऊंगा फर्स्ट अप्रैल 2024 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और मैंने फर्स्ट अप्रैल 2024 को ही मकान को किराए पर दे दिया राइट मुझे एक बात बताओ प्रीवियस ईयर 24 25 के के लिए तो जो मैं ये 8 के रेट पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट दूंगा 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 कितना ठीक ठीक है है के रेट पर मैं 80, रुपीस का दूंगा? इस 80, रुपीस का इस रिडक्शन तो मुझे प्रीवियस ईयर 24 25 में बहुत आराम से मिल जाएगा थीके? जो मेरा सवाल यह कि यहां पर फर्स्ट अप्रैल 21, 22, 23 मतलब यहां 31 मार्च या मैं बोलू 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23 मैंने यहां से यहां पर भी अस्सी हजार रुपए का इंटरेस्ट पे किया होगा मैंने यहां से यहां पर भी अस्सी हजार रुपए का इंटरेस्ट पे, पे किया होगा मैंने यहां से यहां भी अस्सी हजार रुपए का इंटरेस्ट पे किया होगा और मैंने यहां से यहां भी अस्सी हजार रुपए का इंटरेस्ट पे किया होगा

कि इन सब का डिडक्शन मुझे इन सालों में नहीं मिल सकता क्योंकि यहां पर मेरे पास मकान ही नहीं था <bouffress> यहां पर मेरे पास मकान ही नहीं था मैं क्या तो लेट आउट करता और कहां से रेंटल इनकम आती किसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम करता जब मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो पहला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा वो था सेक्शन ट्वेंटी टू और सेक्शन ट्वेंटी टू की पहली कंडीशन ही थी कि हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी ठीक है सेक्शन ट्वेंटी टू की पहली कंडीशन क्या है देर प्रॉपर्टी

मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है अब हुआ क्या जब मैंने दस लाख रुपए का लोन लिया तो इन चार सालों में मैंने एट्टी एट्टी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट पे किया लेकिन मुझे इनका डिडक्शन ही नहीं मिल पा रहा था मुझे इनका डिडक्शन ही नहीं मिल पा रहा था मैं सरकार से कह रहा था अरे मैंने इंटरेस्ट पे किया है सरकार कह रही थी कि अरे हाउस प्रॉपर्टी का है असेसिंग ऑफिसर कह, कह रहा था हाउस प्रॉपर्टी का है फिर मैंने असेसिंग ऑफिसर से कहा कि सर बनेगा कैसे आप ये तो समझो मैंने लोन लिया किस लिए लोन मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो लिया है और जिस साल हाउस प्रॉपर्टी बनकर कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट हुई है उस साल तो मैंने उसको किराए पर भी चढ़ा दिया है तो आप मेरा इंटेंशन तो समझने की कोशिश करिए लेकिन असेसिंग ऑफिसर नहीं माना असेसिंग ऑफिसर नहीं माना मुद्दा गया सरकार के पास सरकार को यह बोला गया कि देखिए दिक्कत हो रही है लोग लोन ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता उससे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले पीरियड का यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट का तो उनको कोई डिडक्शन ही नहीं मिल रहा है उस इंटरेस्ट का तो इनको कोई डिडक्शन ही नहीं मिल रहा है सरकार ने बात समझी सरकार ने बात सुनी सरकार ने कहा चलिए ठीक है आप चिंता मत करिए हम कुछ प्रबंध करते हैं और सरकार ने प्रबंध किया सरकार ने कहा कि देखो तुमने इन चार सालों में टोटल कितना कितना इंटरेस्ट पे किया है तुमने इन चार सालों में टोटल थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट पे किया राइट सरकार ने कहा तुम लोगों ने इन चार सालों में टोटल थ्री लाख ट्वेंटी कहा यस सरकार कहती है कि अगर हम ये सारा का सारा डिडक्शन तुमको प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में दे देंगे तो पहले साल अचानक से बहुत ज्यादा तुम्हारा लॉस आ जाएगा या तुम्हारी इनकम बहुत कम आएगी राइट right? और हम लोगों को भी रेवेन्यू का नुकसान होगा क्योंकि सरकार कहती है अगर आप इनकम कम दिखाओगे तो आप सरकार को टैक्स कम पे करोगे ना और अगर आप सरकार को टैक्स कम पे करोगे तो सरकार की रेवेन्यू सरकार के भी उसमें बजट में तो डेफिसिट आ जाएगा ना ठीक है तो सरकार ने कहा देखो तीन लाख बीस हजार रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया है हम मान रहे हैं। अगर इस पूरे के पूरे तीन लाख बीस हजार रुपए का रिडक्शन हम आपको पहले ही साल दे देंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए क्योंकि पहले साल हमारे पास कुछ पैसा आएगा नहीं अचानक से एकदम डिप आ जाएगा ऐसे तो हो नहीं पाएगा काम लेकिन हाँ हम समझते हैं कि इसका रिडक्शन आपको मिलना चाहिए तो सरकार ने कहा कि जो भी ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है ध्यान से सुना जो भी ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है इसका डिडक्शन मिलेगा लेकिन फाइव इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया कि थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज डिवाइडेड बाई फाइव करो कितना आता है थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव करके देखें एक बार थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आया तो सरकार कह रही है कि हम आपको प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में प्रीवियस ईयर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन में प्रीवियस ईयर टोटल डिडक्शन आपको थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का मिल जाएगा टोटल डिडक्शन आपको थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का मिल जाएगा क्या इससे दोनों की प्रॉब्लम सोल्व होगी जो आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट पे किया था आपको उस पूरे का मिल गया, राइट? और सरकार को भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साल में बहुत ज्यादा सरकार भी का सरकार ने अलाउ कर दिया ठीक है अब सुनो मेरी बात ये तो हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ठीक है जो प्रीवियस ईयर 24 25 ट्वेंटी फाइव में आपने एटी थाउजेंड रुपीज दिया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज दिया इसका डिडक्शन भी आपको मिलेगा इसका डिडक्शन भी आपको मिलेगा तो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर में आपको टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर में आपको टोटल वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज के इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा ठीक <coughs> है प्रीवियस ईयर 24-25 में आपको टोटल वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा मैं पूरी चीज एक बार रिपीट कर रहा हूं लेकिन जल्दी जल्दी अब रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना कॉन्सेट इज ऑलमोस्ट ओवर पूरी तरह से नहीं बट कॉन्ट इज ऑलमोस्ट ओवर ऑलमोस्ट मैंने आपको ये बताया कि जब भी मैं मकान परचेज करने के लिए लोन लेता हूं उस पर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा मकान मेरे पास आ जाएगा उसको मैं तुरंत लेट आउट कर दूंगा और जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है वो मुझे उसी साल से मिलने लग जाएगा पर जब मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूं तो मैंने फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड को लोन लिया दस लाख रुपए का कि मुझे मकान कंस्ट्रक्ट कर आठ परसेंट का उसका इंटरेस्ट था मुझे एट्टी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट पे करना था ठीक है अब मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है फर्स्ट अप्रैल टू को मतलब प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियसोर में मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ जैसे ही फर्स्ट अप्रैल टू को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मैंने तुरंत इस मकान को किराए पर चढ़ा दिया और अब क्योंकि मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है करूंगा, उसका तो मुझे मिल ही जाएगा प्रॉब्लम question. no तो कहां पर आ रही थी कि जब लोन लिया वहां से लेकर जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता जिसको हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कह रहे तो इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी तो जो असेसी है वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा था तो इसका डिडक्शन भी तो मिलेगा अब इसका रिडक्शन किस तरह से मिलेगा सरकार ने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है तुम्हारा जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट था उसका डिडक्शन हम तुम्हें अलाउ करेंगे लेकिन सारा एक ही साल एक ही झटके में अलाउ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर हमारा भी रेवेन्यू डिप होता है तो सरकार ने कहा हम एक काम करते हैं ना आपकी ना हमारी कुछ ऐसा करते हैं जिससे दोनों का फायदा हो जाए दोनों को कोई ज्यादा नुकसान ना हो हम इसका रिडक्शन आपको अलाउ करेंगे लेकिन पांच इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करेंगे ठीक है तो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी एक दो तीन चार पांच इन पांच सालों में टोटल तो कितना तो 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 है ठीक है लेकिन जो आप 24-25 में एक्चुअली पे करोगे वो आपको इंटरेस्ट पूरा मिलेगा मतलब जैसे 24-25 में आपने जो अस्सी हजार रुपए पे, पे किया उसका रिडक्शन आपको पूरा मिलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्शन पीरियड वाला डिडक्शन आपको इस तरह से मिलेगा तो प्रीवियस ईयर 24 25 में आपका जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा टोटल इंटरेस्ट और लोन का जो डिडक्शन होगा वन लाख फोर्टी फोर थाउजंड रुपीज क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है एक बार चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से बता दो यस क्या यहां तक की बात क्या यहां तक की बात आप सब लोग को समझ में आ रही है जल्दी बताइए Yes? <coughs> नहीं दिस इज फाइव फाइव ईयर्स फिक्स ठीक है ये लॉ में लिखा हुआ है कि फाइव ईयर्स में ही आपको मिलेगा अब सुनो यहां पर मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया और मैंने इस एग्जांपल में बोला कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ऑन फर्स्ट अप्रैल 2024 ठीक है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी वॉट इफ द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर देखो मैं फिर से यहां पर यह बना रहा हूं फर्स्ट April ट्वेंटी इकतीस मार्च इक्कीस इकतीस मार्च बाईस इकतीस मार्च तेईस इकतीस मार्च चौबीस और ये आएगा फर्स्ट जून चौबीस ठीक है कंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ये है आपका प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर बाईस तेईस प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस ठीक है और यहां से प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस शुरू हो जा रहा है यहां से प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस शुरू हो जा रहा है कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था फर्स्ट अप्रैल 2024 को यानी प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस के पहले दिन ही कंप्लीट हो गया था ठीक है प्रीवियस ईयर 24-25 के पहले दिन ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था लेकिन यहां पर अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर कंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर 24-25 के पहले दिन कंप्लीट नहीं हो रहा है यहां पर प्रीवियस ईयर 24-25 शुरू हो जाने के बाद दो महीने बाद कंप्लीट हो रहा है अप्रैल में निकल गया फर्स्ट जून को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है ठीक है अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कब तक मानेंगे तो आप लोगों के दिमाग में आएगी बात कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप यहां तक मानो फर्स्ट जून तक ठीक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप फर्स्ट जून तक मान लो मैंने कहा फिर कैसे करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा बहुत ही ऑब्वियस चीज आपके दिमाग में आएगी सर देखो एट्टी थाउजेंड यहां एट्टी थाउजेंड यहां एट्टी यहां एट्टी यहां ये यह तो चार हो ही गया अब जो प्रीवियस ईयर 24-25 वाला 80 है उसको डिवाइड कर दो ना 2 बाई ट्वेल्व दो महीने के इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन मान लो और बचे हुए 10 महीने के इंटरेस्ट को पोस्ट कंस्ट्रक्शन मान लो दो महीने के इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन मान लो और बचे हुए दस महीने के इंटरेस्ट को पोस्ट कंस्ट्रक्शन मान लो फिर ये पूरा का पूरा आपका प्री कंस्ट्रक्शन हो जाएगा इसको डिवाइडेड बाई फाइव कर देंगे और उसको फिर पांच सालों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसा आपके मन में आएगा सर इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये इसमें इसको बता के टाइम वेस्ट मत करो ठीक है <coughs> मैं बताऊं इनकम टैक्स लॉ मैंने पहले भी बोला है इट्स एक्सट्रीमली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है हमें फालतू के लोचे लफड़े चाहिए ही नहीं इनकम टैक्स लॉ कहता है हमें फालतू के लोचा लफड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसका एक सिंपल सा फंडा है उसका सिंपल सा फंडा है भाई कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 24 25 में कंप्लीट हुआ ना तो 24 25 पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड और 24 25 से पहले वाला जितना भी है यानी 31 मार्च 2024 तक का जो पीरियड है यही है प्री कंस्ट्रक्शन यही है प्री कंस्ट्रक्शन अब चाहे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट आपका 24-25 में कभी भी हुआ हो आप बोलो सर मेरा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ है जब 24-25 एकदम खत्म होने के कगार पे है फिर भी वो बोलेगा नहीं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चुपचाप प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस तक मानो बात खत्म करो ठीक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तेईस चौबीस तक मानो इसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन मानो पोस्ट कंस्ट्रक्शन मानने से फायदा क्या हुआ कि चौबीस पच्चीस में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया पूरा फुल डिडक्शन फायदा समझ समझो आप लोगों का फायदा है 24-25 में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया उसका उसी साल. नहीं तो क्या होता? यहां पर दो महीने वाले जो है, जिसको अगर आप प्री मान रहे थे, तो ये भी पांच साल में हो जाता ना? तो इस दो महीने का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको थोड़ -थोड़ 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 करके मिलता लॉ कहता है हमें इन सब फालतू के पचड़ों में पड़ना ही नहीं है आपने कंस्ट्रक्शन 24-25 में कंप्लीट किया मतलब 24-25 आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है इकतीस मार्च 2024 से पहले जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ उतना ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा और इस पीरियड में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका रिडक्शन आपको पांच साल तक मिलेगा कौन से साल से जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मतलब चौबीस पच्चीस से आपको इसका रिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा क्या यह बात समझ में आ गई ठीक है क्या यह बात समझ में आ गई जल्दी बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या बात समझ में आ गई हेमंत कह रहा है सर ऐसे तो, तो टोटल डिडक्शन हमें फोर लाख रुपीज का मिल रहा है जबकि हमने तो सिर्फ थ्री ट्वेंटी थाउजेंड पे किया है नहीं हेमंत कैसी बात कर रहे हो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो आपको थ्री ट्वेंटी फोर इंटू फाइव करो कितना आता है ठीक है सिक्सटी फोर थाउजेंड इंटू फाइव थ्री ट्वेंटी का रिडक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में तो आपने थ्री ट्वेंटी पे किया है ना ये जो एट्टी मिला है ये तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का वाला मिल रहा है ना यहां पर भी तो आपने एट्टी थाउजेंड रुपीज दिया है वो तो आप आप क्या चाहोगे आप एक बार हेमंत अपने नहीं, सिर्फ इन चार सालों का जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसी का रिडक्शन हम देंगे जो तुमने दो हजार चौबीस पच्चीस में अस्सी हजार रुपए पे किया है उसका रिडक्शन हम नहीं देंगे ऐसे चल जाएगा क्या काम ऐसे चलेगा क्या जल्दी बताइए ऐसे चलेगा क्या आर्ची हेमंत hey, ऐसे नहीं चलेगा ना तो जो 2024-25 में आपने पे किया है वो भी तो आपको मिलेगा ये भी आपने पे किया है आपने तीन लाख बीस हजार तो प्री कंस्ट्रक्शन में पे किया है 24-25 में भी तो आपने अस्सी हजार रुपए पच्चीस में जो आपने पे किया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो पांच साल में मिलेगा ठीक है ओके चलो ये बात ये बात क्लियर हो गई यहां पर अब मैं फिर से आ रहा हूं इस वाली बात पर तो यहां पर लॉ बड़ा सिंपल है लॉ एकदम सिंपल तरीके से क्या कह रहा है लॉ कह रहा है कि जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल से पोस्ट कंस्ट्रक्शन मान लिया जाएगा और उससे पहले मतलब 31 मार्च 2024 से पहले आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है वही हम सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे और इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले जो इंटरेस्ट है इसका रिडक्शन आपको कब से मिलना शुरू होगा इसका रिडक्शन आपको उस साल से मिलना शुरू होगा जिस साल कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट होगा 24 25 ठीक है अब चलो इसके बारे में और जितने भी आप लोगों के डाउट्स है ना वो हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे तो यहां पर सब लोग अपना हेडिंग डालेंगे कौन सा लेक्चर है आज टुडेस लेक्चर नंबर 7 लेक्चर 7 चैप्टर फोर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट थ्री ठीक है तारीख तारीख है नाइनटीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक अब आओ देखते हैं इसको सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर लिखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखो सब लोग देखेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर फोर लुक एट दिस मिस्टर हरी टुक अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ऑन फर्स्ट डिसम्बर 2021 ऑन फर्स्ट टू 2021 ऑफ 12 लाख रुपीज एट 10 परसेंट

तो 24 महीने 24 पच्चीस का इतना सारा टाइम भी तो प्री कंस्ट्रक्शन माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो सारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन है ठीक है इज वेरी क्लियर अबाउट इट ठीक है चलो तो अब यहां पर फर्स्ट डिसेंबर 2021 ट्वेंटी वन अब मेरे साथ, साथ साथ सब लोग आप लोग बनाओगे फर्स्ट डिसेंबर 2021 ठीक फर्स्ट डिसेंबर 2021 31 मार्च 2022 31 मार्च 2023 फर्स्ट दिसंबर 2022 ना तो 31 मार्च 2000 सॉरी फर्स्ट दिसंबर 2021 फर्स्ट दिसंबर 2021 ठीक है 31 मार्च 2022 फिर 31 मार्च 2023 और फिर 31 मार्च 2000

का दस परसेंट बारह लाख का दस परसेंट बारह लाख का दस परसेंट कितने महीनों के लिए दिसंबर से लेकर मार्च दिसंबर जनवरी फेबर मार्च चार महीनों का फोर बाई ट्वेल्व कितना आया ये फोर्टी थाउजेंड आया यहां पर फोर्टी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट पे किया कैसे किया बारह लाख रुपए इंटू पॉइंट वन इंटू फोर बाई ट्वेल्व ठीक है यहां से लेकर यहां देखो पूरे साल तो बारह लाख का दस परसेंट बारह लाख ,00 का दस परसेंट कितना हुआ एक लाख बीस हजार हुआ तो यहां तो पूरा एक लाख बीस हजार पे किया बारह लाख ,00 का दस परसेंट ठीक है फिर यहां से लेकर यहां तक एक बार फिर से बारह लाख ,00 का पूरा का पूरा दस परसेंट यानी एक लाख बीस हजार बारह लाख का दस परसेंट ठीक है इतना हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो मैं कह रहा हूं टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना आया टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना फोर्टी थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टू लाख एटी थाउजेंड रुपीज आ जाएगा टू लाख एटी थाउजेंड ठीक है अब लिखो यहां पर अमाउंट टू बी Allowed every year amount to be allowed every year from previous year ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज डिड बाई फाइव हर साल कितना इंटरेस्ट हर साल कितना रिडक्शन मिलेगा टू एट्टी डिवाइडेड बाई फाइव हर साल फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज का रिडक्शन मिलता रहेगा हर साल इसका फिफ्टी सिक्स का रिडक्शन मिलता रहेगा ठीक है ये टाइमलाइन बना ली आप लोगों ने देख लिया अब यहां पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 24, 25 ठीक है या चलो इससे पहले ना एक चीज मैं और बताता हूं मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर 24, 25 देखूं 25, 26 देखूं और तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पूरा का पूरा टू लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज का रिडक्शन मिल गया ये तो सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन वाला हुआ जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट है वो भी तो मिलेगा तो 2024-25 में दो हजार चौबीस पच्चीस में भी तो इसने 12 ,00 पर दस परसेंट के रेट से इंटरेस्ट दिया होगा क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि साल भर में कहीं पर भी लोन रीपे किया गया था तो अगर लोन यहां पर एक दिसंबर दो को लिया था बारह लाख रुपए का तो ये वाला लोन अभी भी चल ही रहा है तो प्रीवियस ईयर 24-25 में भी तो 12 लाख पर 10 परसेंट के रेट से लोन पे किया होगा लोन पर इंटरेस्ट पे किया होगा बिल्कुल किया होगा तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड एक लाख बीस हजार रुपए का आपको रिडक्शन मिल जाएगा तो चौबीस पच्चीस में जो आपको टोटल डिडक्शन मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा वो आपको मिलेगा ,00, क्या ये चौबीस पच्चीस में जो आपको टोटल डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड इज इन ई एंड एवरी गुड दिव्यांशु वेरी गुड साक्षी वेरी गुड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बहुत बढ़िया ठीक है परफेक्ट हो गई बात वेरी नाइस राइट वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज का आपका टोटल डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन सिक्स थाउजेंड रुपी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वन लाख ट्वेंटी थाउजें रूपी टोटल डिडक्शन आपको मिल जाएगा वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज का ठीक है अब आप लोग इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव पर्टिकुलर्स रुपये अब हम यहां पर लिखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फिर यहां लिखेंगे प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू है ना प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का क्या टेन परसेंट ऑफ बारह लाख रुपए चार महीने के लिए प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टेन परसेंट ऑफ बारह लाख प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर टेन परसेंट ऑफ बारह लाख ये कितना आया था ये आया था फोर्टी थाउजेंड यह आया था वन ट्वेंटी यह आया था वन ट्वेंटी टोटल कितना हो गया टू लाख ,00 एट्टी थाउजेंड रुपीज इसमें से प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में कितने का डिडक्शन मिलेगा टू एट्टी डिवाइडेड बाय फाइव यानी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज का डिडक्शन मिलेगा और इसमें एड आप करोगे एड करोगे इंटरेस्ट पेड इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव यानी दस परसेंट ऑफ बारह लाख एक लाख बीस हजार रुपए टोटल डिडक्शन उड टोटल आपको कितना रिडक्शन मिलेगा टोटल आपको मिल जाएगा 1, 76, रुपीस का 1, 76, रुपीस का रिडक्शन टोटल आपको मिल जाएगा के बता तो रहा हूं सारी चीजें वाई मतलब ये बार -बार 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 ऐसे क्यों हो रही है लिखा हुआ है दोस्त यहां भी लिख के बताया इससे पहले भी पूरा लिख कर बताया ये यह सब यहां पर डायग्राम में भी बनाकर बताया ठीक है चलो दिस क्वेश्चन इज डन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो स्नेहा है टेकन अ लोन ऑफ सेवन लाख रुपीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है स्नेहा ने फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को

फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी थ्री इकतीस मार्च चौबीस और ये इकतीस मार्च पच्चीस ठीक है यहां से यहां कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा क्योंकि चौबीस पच्चीस में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो यहां पर कितना हो जाएगा ये आएगा आपका सेवन लाख रुपीज का लोन है तो सेवन लाख इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू कितने महीने का फर्स्ट अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्स बाई ट्वेल्व फर्स्ट अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट मार्च सेवन लाख इंटू पॉइंट वन टू इंटू सिक्स बाई टी टू थाउजेंड यह आ गया आपका फोर्टी टू थाउजेंड ठीक है अब ये जब फोर्टी टू थाउजेंड आ गया तो उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे ये जो फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज है दिस विल बी अलाउड इन फाइव एनुअल इंस्टॉलमेंट तो प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस चौबीस पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस अट्ठाइस अट्ठाईस उन्तीस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना इंटरेस्ट मिलेगा फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव एट थाउजेंड फोर हंड्रेड तो एट थाउजेंड फोर हंड्रेड 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 ठीक है अभी भी कोई रीपेमेंट तो हुआ नहीं है तो यहां चौबीस पच्चीस में कितना इंटरेस्ट पे किया होगा सात लाख रुपए इंटू बारह परसेंट एटी फोर थाउजेंड तो एटी फोर थाउजेंड रुपीज आपने चौबीस पच्चीस में पे किया है उसका भी तो आपको डिडक्शन मिलेगा एटी फोर थाउजेंड तो टोटल आपको प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस में कितने का डिडक्शन मिल जाएगा 8,400 प्लस 84,000 ये आ जाएगा 92,400 ठीक है जो टोटल आपको डिडक्शन मिलेगा वो आएगा 94, रुपीस का ठीक है आई होप ये बात समझ में आ रही है आई कैन नॉट बी क्लियर आपको टाइमलाइन वाला पूरा फर्स्ट अक्टूबर से लेकर इकतीस मार्च छह महीने का ये वाला इंटरेस्ट ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ठीक है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है चौबीस पच्चीस में तो इकतीस मार्च दो हजार चौबीस तक जो टाइम होगा वही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा और ये फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज का जो आपने इंटरेस्ट पे किया है यही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है इसको पांच पार्ट में डिवाइड करेंगे एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ये ऐसे पांच सालों में मिलेगा और जो चौबीस पच्चीस में आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा तो प्री और पोस्ट मिलाकर टोटल नाइन्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज का हुआ है calculation of interest to be allowed in previous year 24 25 particulars rupiah. ठीक है अब यहां पर क्या होगा यहां पर हम लोग करेंगे सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आएगा हमारे पास प्रीवियस ईयर 23 24 जहां पर सात लाख के लोन पर बारह परसेंट का इंटरेस्ट लगाएंगे छह महीने के लिए जो कि आएगा फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज फिर मैं यहां पर लिखूंगा अलाउड इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव आएगा एट थाउजेंड फोर हंड्रेड और इसमें मैं एड करूंगा इंटरेस्ट पेड इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सात लाख का बा, बारह परसेंट सात लाख का बारह परसेंट यानी एटी फोर थाउजेंड ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा नाइन्टी टू थाउजेंड फोर दिस विल बी नाइन्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटरेस्ट अलाउड इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस ठीक है इंटरेस्ट अलाउड इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस इतना आ गया है क्लियर हो गई बात क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर वेरी नाइस बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आओ क्वेश्चन नंबर सिक्स लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टेन लाख रुपीज ऑन फर्स्ट जून टू एट एटेल्व परसेंट पर आम लोन रीपेड ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर लाख रुपीज

सॉरी मार्च मार्च ठीक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा ओनली उस साल जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल को पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है उससे जस्ट एक साल पहले उससे एक साल पहले तक के पीरियड को ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है आओ इसको देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी देखो लोन हमने कब लिया फर्स्ट जून 2018 को लिया ध्यान से देखना बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट जून 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च

31 मार्च 2022 यही तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा ठीक है यही मै चीज पिछले आधे घंटे से ज्यादा हो गया है कि ये सारी यही वाली चीज बार-बार बार-बार आपको बता रहा हूं कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे जस्ट पहले तक ही आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा यानी 31 मार्च 2022 तक ही आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा नाउ 1 जून 18 को लोन लिया ठीक 31 मार्च 19 20 इक्कीस और ये बाईस इकतीस मार्च बीस इकतीस मार्च इक्कीस इकतीस मार्च इक्कीस ठीक है यहां से यहां पर देखो टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया फर्स्ट जून 2018 को जो लोन लिया वो टेन लाख रुपीज का लोन लिया बारह परसेंट के रेट पर लोन रीपे कब किया फर्स्ट अप्रैल 2021 को रीपे किया मतलब अब समझना क्या अट्ठारह उन्नीस में कोई लोन का रीपेमेंट हुआ है ठीक है जो लोन रीपे किया दस लाख रुपए का लोन लिया था उसमें से चार लाख रुपए का लोन रीपे किया लेकिन ये लोन लोन रीपे रीपे कब किया लोन रीपे किया गया है ऑन अप्रैल 2021 तो क्या 31 मार्च 19 से पहले कोई लोन रीपेमेंट हुआ है बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो आपने टेन लाख रुपीज का लोन लिया और बारह परसेंट के रेट से इस पे इंटरेस्ट लगाओगे फॉर हाउ मेनी मंथ फॉर टेन मंथ क्योंकि फर्स्ट जून से लोन लिया हुआ है ठीक है तो यहां पर आएगा आपका टेन लाख रुपीज टेन लाख इंटू बारह परसेंट पॉइंट वन टू इंटू टेन बाई ट्वेल्व दस महीने के लिए आप इंटरेस्ट लगाओगे ठीक है फर्स्ट जून टू थाउजेंड एटीन से लेकर इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक तो आप उस पर दस महीने का इंटरेस्ट लगाओगे तो टेन लाख इंटू बारह परसेंट इंटू टेन बाई ट्वेल्व कितना आया एक लाख रुपये एक लाख रुपए आपका यह आ चुका है अब आप यहां से लेकर यहां तक आओगे अब आप यहां से लेकर यहां तक आओगे क्या 19-20 में कोई लोन का रीपेमेंट हुआ है नहीं क्योंकि लोन का जो भी चार लाख रुपए का रीपेमेंट भी हुआ हुआ है है वो अप्रैल 2021 को रीपे हुआ है। तो यहां पर भी आपको 10 लाख ,00 रुपए पर 12 परसेंट के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 लाख ,00 रुपए का लोन है 10 लाख ,00 रुपए के के ऊपर ट्वेल्व परसेंट के रेट से आपको यहां पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक लाख बीस हजार रुपए आपने यहां पर दे दिया ठीक है क्या बीस इक्कीस में कोई लोन का रीपेमेंट हुआ है बिल्कुल भी नहीं हुआ है लोन का रीपेमेंट हुआ है 2021 को, तो, तो यहां पर भी दस लाख रुपए के ऊपर बारह परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लगेगा यानी एक लाख बीस हजार रुपए हा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को चार लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट हुआ है लोन लिया कितने का था लोन लिया था टेन लाख रुपए का अब अगर फर्स्ट अप्रैल 2021 को 4 फोर लाख रुपीज का रीपेमेंट कर दिया है लोन हमारे पास बचा कितना छह लाख रुपए का लोन बचा दस लाख का लोन लिया था चार लाख रीपे कर दिया छह लाख का लोन बचा अब मतलब यहां से लेकर यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिक्स लाख रुपीज पर लगेगा तो यह आएगा सिक्स लाख का ट्वेल्व परसेंट सिक्स लाख का ट्वेल्व परसेंट एंड दिस इज सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक ठीक है। 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 वाली चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही है. लोन हम लोगों ने लिया था लाख रुपए का। थेके? सबसे पहली बात तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर बाइस तेईस में कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर बाइस तेईस में कंस्ट्रक्शन हुआ है ठीक है फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंट थ्री फॉल्स इन प्रीवियस ईयर बाइस तेईस तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक मानेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे इकतीस मार्च दो हजार बाईस तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे 31 मार्च 2022 तक का मैंने 31 मार्च 2022 तक की टाइमलाइन यहां पर बना दी है अब लोन हम लोगों ने 10 लाख ,00 रुपए का लिया 1st जून 2018 को लिया 12% पर आनंद के रेट से लिया ठीक है लोन हम लोगों ने 1st अप्रैल 2021 को रिपे किया 4 लाख ,00 रुपए का अब 4 लाख ,00 रुपए का जो लोन हम लोगों ने रिपे किया अब आप देखो इसमें हुआ क्या 1st अप्रैल 2021 को रिपे किया का, लेकिन जून में लिया था, तो दस महीने का लगेगा, 12 के रेट से दस महीने का इंटरेस्ट लगाया बारह परसेंट के रेट से अठारह उन्नीस में एक लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया फिर उन्नीस बीस में कोई लोन का रीपेमेंट नहीं था लोन का रीपेमेंट हुआ फर्स्ट अप्रेल टू को तो दस लाख रुपए पर बारह का इंटरेस्ट एक लाख बीस हजार यहां पर लगा फिर बीस इक्कीस में भी कोई लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है दस लाख रुपए पर बारह परसेंट एक लाख बीस हजार यहां पर लगा फिर यहां फर्स्ट अप्रिल्वेंटी में ही चार का लोन रीपे कर दिया। जब चार लाख रुपए का लोन रीपे कर दिया तो लोन बचा कितना छह लाख रुपए का बचा तो अब प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस में जो लोन जो इंटरेस्ट लगेगा वो छह लाख रुपए के लोन पर लगेगा छह लाख इंटू बारह परसेंट यह आता है बहत्तर हजार रुपए तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना आ गया एक लाख प्लस एक लाख बीस हजार प्लस एक लाख बीस हजार प्लस सेवेंटी टू थाउजेंड फोर लाख ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज का टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आया टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फोर लाख ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ठीक है इसको पांच इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसका रिडक्शन मिलेगा कौन से साल से इसका रिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा अब मुझे आप लोग बताओ सारे लोग बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए फोर लाख ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज डिड बाई फाइव करेंगे फोर लाख ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज डिड बाई फाइव हम लोग करेंगे हर साल मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम विच प्रीवियस ईयर वेरी गुड एटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड अनिश आदित्य दिव्यांशु करिश्मा वेरी गुड

82,400 तो यहां मिलेगा 82,400 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 ये 82 तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी तो आपको डिडक्शन मिलेगा इसके बाद क्या कहीं पर भी दिया हुआ है कि लोन का रीपेमेंट किया गया नहीं दिया हुआ है मतलब हर साल हर साल आप लोगों का इतना इंटरेस्ट लगता रहेगा छह लाख रुपए का लोन बचा है छह लाख पर बारह परसेंट के रेट से इंटरेस्ट सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट लगता रहेगा आप बाईस तेईस में सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज पे करोगे तेईस चौबीस में सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज पे करोगे चौबीस पच्चीस में सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज पे करोगे ये आपको टोटल डिडक्शन मिलेंगे ठीक है मैं 25, 26 और 26, 27 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि में हम लोगों से सिर्फ कुछ लोन रीपे हो जाए तो इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत तो अब क्या 82, 400 72, 154, 400 यहां प्लस फोर फोर हंड्रेड का रिडक्शन यहां वन फिफ्टी यहां फोर हंड्रेड का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा हमसे कौन से प्रीवियस है हम लोगों से इससे पूछे कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन लोनमेंट इच्चीस छब्बीस छब्बीस हमारे सामने हमें वन फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाएगा क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है हम लोगों को वन फिफ्टी के इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाएगा ठीक है तो ये है आपका राइट right? अब यहाँ पर ये मैंने इसलिए पूरी टेबल बनवाई है क्योंकि कई क्यों सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर बाद में जब बाद में रिवाइज करने की बारी आती है ना तो कई सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर आपने सिर्फ आपनेस का ही क्यों लिखा है क्योंकि सवाल ने बोला है मेरे दोस्त असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस तो मैं यहाँ पर वही तो बताऊंगा ना जो सवाल ने पूछा है 154 400 का 22 23 में मिल चुका होगा 154 400 का डिडक्शन 23 24 में मिल चुका होगा 154 400 का डिडक्शन 24 25 में मिलेगा तो 24 25 के लिए हमसे पूछा हुआ है वो हम लोग यहां पर लिखेंगे ठीक है खो इसको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस रुपए ठीक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रीवियस ईयर अठारह उन्नीस प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस और प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस यही बात है यही चार साल है यहां पर मैं लिखूंगा दस लाख इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू टेन बाई ट्वेल्व कितना ये आएगा आपका वन लाख रुपीस यहां टेन लाख इंटू ट्वेल्व परसेंट एक लाख बीस हजार रुपए यहां टेन लाख इंटू ट्वेल्व परसेंट एक लाख बीस हजार रुपए अब यहां पर सिक्स लाख इसको ऐसे लिख दो आप चलो चलो ठीक है सिक्स लाख से ही सही है इतना समझ जाओगे इन टू ट्वेल्व परसेंट कितना सेवेंटी टू थाउजेंड जो टोटल आया है वो कितना आया है वो आया है फोर लाख ट्वेल्व थाउजेंड अब इसमें मैं लिखूंगा अलाउड इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस चार लाख बारह हजार डिवाइडेड बाई फाइव यह आ जाएगा एटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एड इंटरेस्ट इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस छ लाख रुपए का बारह परसेंट दिस जिससे सेवेंटी टू थाउजेंड और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको रिडक्शन मिलेगा होगा वन फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड 1544 फोर इंटरेस्ट टू बी अलाउड इंटरेस्ट टू बी अलाउड क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या यह बात आप सबको समझ में आ रही है यस yes? आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर सेवन मिस्टर जय अ लोन फ्रॉम एसबीआई ऑन फर्स्ट जून 2020 फॉर 20 लाख रुपीस एट सिक्स परसेंट ही मेड द फॉलोइंग रीपेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट्स फर्स्ट अप्रैल 2021 को चार लाख रुपए रीपे किया फर्स्ट अक्टूबर 2022 को दो लाख रुपए रीपे किया फर्स्ट डिसंबर 2023 को डेढ़ लाख रुपए रीपे किया फर्स अप्रैल 2024 को ढाई लाख रुपए रीपे किया कंस्ट्रक्शन 14th February 2024. टू थाउजेंड allowable for फॉर द प्रीवियस 24 ट्वेंटी फोर देखते हैं इसको कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन हुआ है प्रीवियस ईयर 23-24 में ठीक है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर 23-24 में यानी हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होगा वो 31 मार्च 2023 तक ही होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 2023 तक होगा क्वेश्चन नंबर सेवन मैं यहां पर लिखता हूं और यहां पर मैं बनाता हूं टाइम लाइन यहां पर मैं बनाता हूं टाइम लाइन फर्स्ट जून 2020 को लोन लिया फर्स्ट जून 2020 को लोन लिया और फाइनली मुझे कहां तक का चाहिए 31 मार्च 2023 तक का चाहिए ठीक तो 31 मार्च 21 31 मार्च 22 ठीक है 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 ये मुझे यहां पर मिल गया आओ देखो मैं अगर जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक का देखता हूं मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में तो क्या प्रीवियस ईयर 2021 में भी कोई रीपेमेंट हुआ है नहीं पहला रीपेमेंट फर्स्ट अप्रैल 2021 को हुआ है यानी यहां तो कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है तो यहां से यहां तक कितना इंटरेस्ट आएगा 20 लाख रुपए का लोन आपने लिया है 20 लाख रुपए का लोन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है कितने मंथ्स का Ten months interest interest 10 का interest पर आपका इंटरेस्ट आएगा ठीक है टेन मंथ्स का यहां पर आपका इंटरेस्ट आएगा तो देखो ट्वेंटी का इंटरेस्ट आपने यहां पर किया। अब आपने कब किया है? April 2021 को लाख रुपए का आपने रीपेमेंट किया पहले आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया था अब आपने 4 लाख रुपए रीपे कर दिया आपके पास लोन कितने का बचा आपके पास 16 लाख 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 का लोन बचा ठीक है 20 रुपीस में से आपने 4 रुपीस को रीपे कर दिया अब आपके पास 16 लाख का लोन बचा अब फर्स्ट अप्रैल टू से लेकर इकतीस मार्च दो तक क्या आपने कोई भी रीपेमेंट किया आओ देखते हैं नहीं अगला रीपेमेंट फर्स्ट अक्टूबर दो हजार बाईस को रहा है तो इकतीस मार्च दो तक तो कोई रीपेमेंट नहीं हुआ तो यहां पर जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आएगा वो कैसे आएगा यहां पर आएगा सिक्सटीन लाख इंटू जीरो पॉइंट ठीक है सोलह लाख ,00 पर सीधा छह परसेंट का आपको रिडक्शन मिलेगा तो मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा सोलह लाख ,00 का आपका लोन है और छह परसेंट आपका इंटरेस्ट इस पर लग जाएगा सिक्सटीन लाख ,00 रुपीज पर सिक्स परसेंट यह कितना यह आता है नाइनटी सिक्स थाउजेंड रुपीज अब आपने रीपेमेंट कब किया है फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को आपने रीपे किया है ठीक है मतलब अगर मैं यहां पर फर्स्ट अप्रैल 2022 से देखो तो फर्स्टोबर अक्टूबर 2022 यहां पर कहीं आएगा फर्स्टोबर अक्टूबर 2022 को आपने कोई लोन का रीपेमेंट किया है राइट तो मतलब यहां से लेकर यहां तक इस वाला जो ये वाला जो एरिया है जिसको मैं अभी रेट से मार्क कर रहा हूं यहां तक तो जो लोन है वो सोलह लाख रुपए का लोन है फिर आपने रीपे कितना किया आपने दो लाख रुपए का रीपेमेंट किया तो यहां से लेकर यहां तक सोलह लाख रुपए है और यहां से लेकर यहां तक आपने कितना दो लाख रुपए का रिपेमेंट किया ना तो यहां से यहां तक चौदह लाख रुपए हो जाएगा देख लो आपने दो लाख रुपए का रिपेमेंट किया अच्छा इसमें ना मुझे क्या करना होगा इसमें मुझे और लंबा भी बनाना पड़ेगा क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद भी आपका इंटरेस्ट का रिपेमेंट चलता जा रहा है तो मैं पूरा चौबीस पच्चीस तक ही बना देता हूं मैं इसमें ना पूरा चौबीस पच्चीस तक ही बना देता हूं देखो इकतीस मार्च ये आया इकतीस मार्च चौबीस ये आया इकतीस मार्च तेईस ये फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी इकतीस मार्च इक्कीस इकतीस मार्च बाईस बाईस है ना तो ये येगा तेईस चौबीस और पच्चीस इकतीस इकतीस मार्च ठीक है इकतीस मार्च तेईस और मार्च अब देखो क्योंकि पर आगे भी आगे भी भी इकतीसिपल प्रीपेमेंट दिया हुआ था तो इसलिए ये पूरी टाइमलाइन यहाँ पर मैंने बना दिया अब ध्यान से देखना तो यहाँ अगेन इस पीरियड में तो कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है तो इस पीरियड में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा ट्वेंटी लैख्स पर सिक्स परसेंट के रेट से दस महीने के लिए ठीक है ट्वेंटी लाख बीस लाख पर बीस लाख पर छह परसेंट के रेट से दस महीने के लिए कितना आया एक लाख रुपए, एक लाख रुपए उसके बाद इक्कीस बाईस में भी कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है ठीक है इक्कीस बाईस में भी कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है नहीं हुआ है ना हाँ इक्कीस बाईस में भी कोई रीपेमेंट आ, हुआ तो है सोलह चार लाख रुपए का हुआ तो है बीस इक्कीस में हुआ है इक्कीस बाईस में हुआ तो है तो अब सोलह लाख रुपए का लोन यहाँ पर रह गया ठीक है और कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है तो सोलह लाख इंटू पॉइंट इंटरेस्ट यहां पर आपने पे किया उसके बाद इक्कीस बाईस हो गया अब बाईस तेईस के बारे में बात करते हैं तो बाईस तेईस में यहां पर अगर मैं बाईस तेईस को जूम करूं तो ये आएगा मेरा फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर दो हजार बाईस अब यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट आएगा वो तो 16 लाख रुपए पर आएगा 16 लाख रुपए इंटू सिक्स परसेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स सिक्स मंथ्स 48,000 एट तो ये आ जाएगा 48,000 एट और यहां पर यानी इस जगह पर इन्होंने लोन का रीपेमेंट किया है कितने का दो लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट यहां पर कर चुका है तो सोलह में से दो गए बचे कितने बचे चौदह लाख तो अब यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड है फर्स्ट अक्टूबर 2022 से लेकर जो 31 मार्च 2023 तक का पीरियड है छह महीने का इस पे इंटरेस्ट लगेगा चौदह लाख रुपए के ऊपर चौदह लाख छू सिक्स बाई ट्वेल्व फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज का यहां पर इंटरेस्ट लगेगा फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज का तो यहां जो है ये सोलह लाख ,00 ये जो इंटरेस्ट आएगा यह आएगा सोलह लाख इंटू सिक्स परसेंट इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व और यहां पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा चौदह लाख इंटू सिक्स परसेंट इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व ठीक है बाईस तेईस के बीच में लोन का रीपेमेंट हुआ है तो फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेकर जो 31 मार्च 2023 तक का पीरियड है तो यहां पर 16 लाख ,00 रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था कब फर्स्ट अप्रैल 2022 को लेकिन फिर फर्स्ट अक्टूबर 2022 को रीपेमेंट किया दो लाख रुपए का तो 16 लाख ,00 रुपए में से दो लाख रुपए चले गए बचे कितने 14 लाख ,00 रुपए तो यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा सोलह लाख रुपए पर छह परसेंट रेट से छह महीने का क्योंकि फर्स्ट अप्रैल टू से लेकर फर्स्ट अक्टूबर टू और फिर यहां से लेकर यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो चौदह लाख ,00 पर लगेगा चौदह लाख इंटू सिक्स परसेंट ठीक है अब देखो हम लोग चलते हैं आगे अब इकतीस मार्च दो तक तो कोई रीपेमेंट नहीं हुआ था अब तेईस चौबीस में बात करते हैं तेईस चौबीस में यहां पर देखो फर्स्ट डिसंबर 2023 को और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का रीपेमेंट किया गया ठीक है तो मतलब फर्स्ट डिसंबर 2023 तक लोन कितना है

ठीक है, चौदह लाख रुपए पर आठ महीने का चौदह लाख रुपए पर सिक्स परसेंट फॉर एट मंथस फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज यह आया आपका फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज और फिर यहां से लेकर यहां तक जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा साढ़े बारह लाख रुपए पर साढ़े बारह लाख रुपए का सिक्स परसेंट फॉर फोर मंथस कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यह आएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ये ये पर 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 आएगा रुपीस का। I hope बात आपको समझ में आ रही है। है? हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट लगाया? यहाँ पर हमने लगाया हमने ठीक बर अक्टूबर और उसके बाद फिर यहां पर लगाया हमने ट्वेल्व पॉइंट फाइव पर सिक्स परसेंट के रेट से इंटू फोर बाई ट्वेल्व फोर बाई ट्वेल्व कितना ठीक है ये इंटरेस्ट आया आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का तो ट्वेल्व लाख ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सिक्स परसेंट इंटू फोर बाई ट्वेल्व कितना आ गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है अब भाई साहब इसने किया क्या अब इसने फर्स्ट अप्रैल 2024 को ढाई लाख रुपए और रीपे कर दिए मतलब अब लोन कितना रह गया अब लोन रह गया दस लाख रुपए का तो 24-25 में जो ये इंटरेस्ट पे करेगा ये सिर्फ दस लाख रुपए के लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा यहां 24-25 में जो इंटरेस्ट पे करेगा ये दस लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट पे करेगा दस लाख का सिक्स यानी सिक्सटी थाउजेंड का इंटरेस्ट ये यहां पर पे करेगा क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है ठीक है

ये है वो वाली लाइन 31 मार्च 2023 और यहां तक जितना भी इंटरेस्ट पे किया है मतलब वन लाख रुपीज प्लस 96,000 प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी ये है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो अब मैं यहां पर अगर बोलूं टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपका कितना आएगा तो आप यहां पर करोगे वन लाख प्लस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर्टी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड तो ये कितना होता है ये कितना होता है वन लाख प्लस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर्टी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड ये होता है टू लाख एटी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये होता है टू लाख एटी सिक्स थाउजेंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फाइव से तो अलाउड एवरी ईयर अलाउड एवरी ईयर टू टू एटी सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव कितना आता है फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज अब इसको आगे देखना प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस और चौबीस पच्चीस ठीक है ना तो प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस चौबीस पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस सत्ताईस और सत्ताइस अट्ठाइस यहां पर आपको मिलेगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड 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 ये है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट देखो और टोटल इंटरेस्ट देखो आप ठीक है पोस्ट कंस्ट्रक्शन देखो और टोटल इंटरेस्ट देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन देखो तेईस चौबीस में कितना पे किया तो चौबीस में भाई साहब इतना पे किया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तेईस चौबीस में एटी वन थाउजेंड रुपीज पे किया है ठीक है तेईस चौबीस में एटी वन थाउजेंड पे किया है तो टोटल कितना आएगा देखी जाएगी चौबीस पच्चीस में इसने कितना पे किया है चौबीस पच्चीस में इसने चौबीस पच्चीस में सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पे किया है चौबीस पच्चीस में सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पे किया है तो फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस एटी वन थाउजेंड यह आया वन थर्टी एट टू हंड्रेड

मोस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ करवा सकता था ठीक है कि मल्टीपल रीपेमेंट नॉट जस्ट रीपेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ दर बट रीपेमेंट ज्योरिंग दिडल तो यह पूरा और इससे इस ज्यादा इलाबोरेट तरीके से समझाना भी पॉसिबल नहीं था कि पूरी टाइम लाइन बनाकर कहां से कहां तक कितना कहां से कहां तक कितना कहां से कहां तक कितना मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपका कोई भी डाउट बचेगा ठीक है आप उसको फॉर्मल तरीके से एक बार लिख लेते हैं Calculation of interest to be allowed in previous year twenty four twenty five particulars rupee. ठीक अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रीवियस ईयर कहां से शुरू हो रहा है ये प्रीवियस ईयर 2021 से 2021 ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो यहीं तक है ठीक है फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंट टू तक यहां पर आएगा आपका ये ये लाख लाख तो कितना इंटरेस्ट आएगा ये आएगा वन लाख रुपीस का ठीक है उसके बाद इक्कीस बाईस में कितना आएगा सोलह लाख सिक्स परसेंट इक्कीस बाईस में यह ना सोलह लाख सिक्स परसेंट सोलह लाख इंटू सिक्स परसेंट कितना 96,000 फिर बाईस तेईस में कितना 16 लाख इंटू सिक्स परसेंट फॉर सिक्स मंथ एंड 14 लाख इंटू सिक्स परसेंट फॉर सिक्स मंथ 16 लाख इंटू सिक्स परसेंट फॉर सिक्स मंथ प्लस 14 लाख इंटू सिक्स परसेंट फॉर सिक्स मंथ तो ये टोटल कितना आया ये टोटल 48 एट प्लस फोर्टी यानी नाइन्टी आ जाएगा आपका नाइन्टी थाउजेंड ये आ जाएगा नाइन्टी थाउजेंड टोटल कितना हो गया वन लाख प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस नाइन्टी थाउजेंड टू लाख एटी सिक्स थाउजेंड रुपीज योग टू लाख एटी सिक्स थाउजेंड रुपीज दिस इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और यही हम लोगों ने यहां पर भी निकाला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि इसका 24 25 में कितना अलाउड हो जाएगा अलाउड इन प्रीवियस ईयर 24 25 286 डिवाइडेड बाय 5 जो कि आया 57200 57200 और ऐड हम लोग करेंगे इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 24 25 जो कि आपने कितना पे किया चौबीस पच्चीस में आपने पे किया दस लाख का छे परसेंट चौबीस पच्चीस में आपने पे किया दस लाख का परसेंट यानी सिक्सटी थाउजेंड तो जो टोटल निकलकर आया है वो कितना आया है वो आया वन सेवनटीन टू हंड्रेड वन सेवनटीन टू हंड्रेड ये आगे हमारा फॉर्मल तरीके से आंसर का प्रेजेंटेशन क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ठीक है ये फॉर्मल फौर्म, तरीके से हम लोगों का आंसर निकल कर आ गया है नो no डाउट मुस्कान कासी वेरी नाइस येस क्लियर श्रद्धा कुलकर्णी प्रथम बीना चौहान वेरी नाइस ठीक थैंक यू आदित्य थैंक यू एवरी वन राइट अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं लुक एट क्वेश्चन नंबर एट हरी टेकन टन लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट डिसेंट ही पेड प्रिंसिपल फॉलो कस्ट्रक्शन गॉट कम्लीटेड डिसेंबर टू थाउजेंड ट्वेंट फॉर कम्प्यूट इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस इयर ट्वेंटा वैसे ही क्वेश्चन तो आओ इसको फटाफट से किया जाए लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक। फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड को, दो प्रीवियस ईयर 24-25 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ यानी 31 मार्च 2024 हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा ठीक है तो अब यहां पर हम करेंगे 31 मार्च 22 इकतीस मार्च तेईस इकतीस मार्च चौ राइट नाउ सबसे पहले फर्स्ट दिसंबर 2021 को लोन लिया क्या थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 से पहले कोई भी रीपेमेंट हुआ है तो जो रीपेमेंट हुआ है वो फर्स्ट अप्रैल 22 को हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च 22 से पहले कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है फोर्टी टू लाख रुपीज पर सेवन परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा फोर्टी टू ,00 लाख रुपीज पर सेवन परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लगेगा कितने महीनों का डिसेंबर जनवरी फेबर मार्च चार महीनों का चार महीनों का तो फोर्टी टू लाख जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू फोर बाई ट्वेल्व कितना नेक्स्ट दो हजार बाईस फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड अप्रैल 2022 को सात लाख रुपए का रीपेमेंट हुआ तो इसके बाद 42 लाख रुपीस का लोन था सेवन लाख रुपीस के रीपेमेंट के बाद लोन का अमाउंट रह गया 35 लाख रुपीज ठीक है और उसके बाद क्या 31 मार्च 2023 से पहले कोई रीपेमेंट हुआ yes. को रीपेमेंट हुआ है चार लाख रुपए का रीपेमेंट हुआ है फोर लाख रुपीज का रीपेमेंट हुआ है तो इसके बाद लोन का अमाउंट रह जाएगा थर्टी लाख रुपीज मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट अप्रिल 2022 से लेकर फर्स्ट अक्टूबर 2022 तक 35 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स 31 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट लग जाएगा ठीक है तो देखो 35 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट लगेगा फॉर सिक्स मंथ्स। तो यहां पर अब मैं करता हूं ये कहीं पर आएगा फर्स्ट अक्टूबर 2022, फर्स्ट अक्टूबर 2022, ठीक यहां से लेकर यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा थर्टी लाख रुपीज पर थर्टी लाख रुपीस परसेंट के रेट से सिक्स मंथ्स आया वन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड वन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड और यहां से लेकर यहां तक जो लगेगा वो लगेगा थर्टी वन लाख रुपीज पर तो थर्टी वन लाख रुपीज इन टू सेवन परसेंट इन टू सिक्स बाई ट्वेल्व लाख एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है वन लाख एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज वन लाख एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है आई होप दिस इज क्लियर तो यहां से फर्स्ट अप्रिल से लेकर यहां तक थर्टी फाइव लाख रुपीज पर थर्टी फाइव लैक्स पर किस रेट से लग रहा है इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व और यहां पर थर्टी वन लैक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू सिक्स बाई टन ये हो गया अब देखो अब नेक्स्ट रीपेमेंट कब हुआ है नेक्स्ट रीपेमेंट हुआ है फर्स्ट फेब्ररी 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर फर्स्ट फेब्री टू कहां पर आएगा ये फर्स्ट फेब्रुरी 2024 यहां कहीं आएगा यहां फर्स्ट फेब्ररी 2024 यहां पर कहीं आएगा और कितने रुपए का रीपेमेंट होगा पांच लाख रुपए का रीपेमेंट हो जाएगा जिसके बाद लोन का अमाउंट कितना रह जाएगा लोन का अमाउंट रह जाएगा ट्वेंटी लाख रुपीज ठीक है 31 ,00 में से फाइव लाख गॉन तो रहेगा ट्वेंटी ,00 मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि April 2023 से लेकर February 2024 तक 31 ,00 रुपीज पर interest लगेगा और उसके बाद ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीज पर इंटरेस्ट लगेगा ठीक है तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से लेकर यहां तक मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा थर्टी वन लाख रुपीज पर टी वन लाख रुपीज सेवन परसेंट के रेट से राइट सेवन परसेंट के रेट से लगेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स थर्टी वन लाख रुपीज से रेट से फॉर हाउ मेवन मंथस टेन बाई ट्वेल्व वन एट्टी एट थर्टी थ्री वन एटी एट थर्टी थ्री ये लगेगा और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक फ़रवरी से लेकर इकतीस मार्च तक फर्स्ट फेब्रवरी से लेकर इकतीस मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा छब्बीस लाख रुपए पर छब्बीस लाख रुपए सात परसेंट के रेट से दो महीने का ये आता है थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री थर्टी थ्री 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 ठीक है तो यहां पर आपका इंटरेस्ट लगा इकतीस लाख ,00 पर सात परसेंट के रेट से फॉर टेन मंथ्स यहां इंटरेस्ट लगा छब्बीस लाख पर सात परसेंट के रेट से फॉर टू यहां पर लग गया फॉर टू मंथ्स अभी बात खत्म नहीं हुई है अभी आप आइए चौबीस पच्चीस देखिए चौबीस पच्चीस में भी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को सेवन लाख रुपीज का रीपेमेंट हुआ है यानी इसके बाद हमारे पास लोन रह जाएगा नाइनटीन लाख रुपीस का मतलब फर्स्ट अप्रैल 2024 से फर्स्ट जुलाई 2024 यानी अप्रैल मई जून तीन महीने इंटरेस्ट लगेगा 26 लाख रुपए पर तीन महीने इंटरेस्ट लगेगा 26 लाख रुपए पर यहां पर आपका कहीं आएगा फर्स्ट जुलाई 24 ठीक है तो ये इंटरेस्ट लगेगा 26 लाख इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू थ्री बाई ट्वेल्व और यहां पर लगेगा 19 लाख टू कितना नाइन बाई ट्वेल्व ठीक है 26 लाख इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू थ्री बाई ट्वेल्व दिस इज 45,500 और ये 19 लाख इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू नाइन ट्वेल्व नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी छब्बीस लाख ये जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू थ्री बाई ट्वेल्व सही आ रही फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड यस अब आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखो प्री कंस्ट्रक्शन आएगा 31 मार्च 2024 तक ठीक है प्री कंस्ट्रक्शन आएगा 31 मार्च 2024 तक मतलब ये दिस इज द लाइन ऑफ बाइफन ठीक है तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना है टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 98,000 एट थाउजेंड प्लस वन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस वन जीरो एट फाइव हंड्रेड प्लस वन एट्टी थ्री 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 प्लस थर्टी थ्री 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 तो कितना आया ये ये टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है 98,000 एट थाउजेंड प्लस वन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस वन जीरो एट फाइव हंड्रेड प्लस वन एटी थ्री 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 प्लस थर्टी थ्री 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 से टोटल थर्टी थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सिक्स फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सिक्स यहां पर ये गलती हो गई एट थर्टी थ्री है ये वन एटी एट थर्टी थ्री नॉट थ्री थर्टी थ्री वन एटी एट थर्टी थ्री तो ये कितना है फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सिक्स फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सेवन कर देते ठीक है अलाउड एवरी ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाई फाइव वन जीरोट ठीक है तो प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस अट्ठाइस और अट्ठाईस उनतीस ये आएगा वन जीरो एट जीरो थ्री थ्री वन जीरो एट जीरो थ्री थ्री 108033 जीरो 108 एट जीरो थ्री थ्री और ये तो प्री वाला है पोस्ट वाला कितना अलाउ होगा तो देखो चौबीस पच्चीस में कितना पे किया है चौबीस पच्चीस में पे कियाड फोर्टी फाइव फाइव प्लस नाइनटी नाइन सेवन पच्चीस में पे किया वन फोर्टी फाइव पच्चीस में पे किया है 45 -500, 45 -500, plus तो जो टोटल आएगा वो ऐसे आएगा टू फिफ्टी थ्री टू एटी टू फिफ्टी थ्री टू एटी थ्री ये आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा जिसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा ठीक है टू फिफ्टी थ्री टू एटी थ्री आई वाली बात आप सबको समझ में आ रही है ठीक एक बार हम लोग फटाफट से इसको लिख देते हैं Calculation of interest to be allowed in previous year प्रीवियस पचीस देखो जो मैं आप लोगों को ये टेबल रहा हूं ना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको ये जो टाइमलाइन वगैरह मैं बनवा रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बनवा रहा हूं ठीक है ना आपको फॉर्मल तरीके से जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाला करके पर्टिकुलर्स रुपए देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रीवियस ईयर कहा से इक्कीस बाईस है इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस कितना आया फोर्टी टू लैक्स पर सेवन परसेंट फोर्टी टू लैक्स पर जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू फोर बाई ट्वेल्व इंटू फोर बाई ट्वेल्व कितना हुआ नाइन्टी एट थाउजेंड रुपीज ठीक प्रीवियस ईयर बाईस तेईस में बाईस तेईस में ये रहा तो ये आया आपका थर्टी फाइव लैख सेवन परसेंट into six months, so six by twelve plus thirty-one lakhs seven percent six by twelve. kitna one twenty to five hundred plus one zero eight five hundred. This is two lakh thirty one thousand.

परसेंट फॉर टू मंथ्स और ये इतना आया वन एटी एट थर्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री थर्टी थ्री वन एटी एट थर्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री थर्टी थ्री दिस टू वन 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 सिक्स सेवन टू वन 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 सिक्स सेवन बस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो इतना ही है ये टोटल आएगा फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सेवन इसको मैं अलाउड इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाई फाइव दिस विल बी वन जीरो थर्टी थ्री ठीक फिर मैं यहां पर लिखूंगा एड इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए मेरे पास क्या आएगा ट्वेंटी सिक्स लैक्स का सेवन परसेंट ट्वेंटी सिक्स लैक्स सेवन परसेंट फॉर थ्री मंथस प्लस नाइन्टीन लैक्स सेवन परसेंट फॉर नाइन मंथस और ये टोटल कितना आएगा वन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी वन फोर्टी फाइव टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो जो टोटल मुझे डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 253 283 253 283 है ना 253 283 टोटल इंटरेस्ट अलाउड एंड दिस इज योर फाइनल आंसर समझ में आ रहा है सबको क्लियर हो रहा है सब लोगों को फटाफट से बताओ क्लियर हो रहा है ये सब लोगों को यस टू फिफ्टी थ्री टू एटी थ्री मुस्कान वेरी नाइस ठीक है अब जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन इसको आप लोग अपने आप से करेंगे सिंपल क्वेश्चन है ये आप लोगों से अपने आप हो जाएगा और कल हम लोग वेकेंसी के कॉन्सेप्ट पर आएंगे कल हम लोग वेकेंसी के कॉन्सेप्ट पर आएंगे ठीक है थैंक यू सो मच टेक केयर दोपहर को मिलते हैं ढाई बजे जीएससी की क्लास में अपना ध्यान रखिए।